नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। '97 से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में घरेलू सरजमी पर 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम का हिस्सा नहीं है। अजिंक्य रहाणे टीम की कमाल संभाल रहे हैं, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और कप्तानी संभालेंगे। 17 नवंबर को राजधानी जयपुर में होने वाले T20 मैच की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त कोच राहुल द्रविड़, व्यंकटेश अय्यर, आवेश खान और मोहम्मद सिराज जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर फैंस ने खिलाड़ियों को घेर लिया है। और इस दौरान भारतीय टीम के कोच और खिलाड़ी होटल मैरियट पहुंच चुके हैं, जहां पर तीनों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। ऐसे में बतौर कोच राहुल द्रविड़ की पहली परीक्षा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगी, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। वजह है यात्री सुविधाएं और सिक्योरिटी स्टाफ का व्यवहार। इसका खुलासा हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। जुलाई सितंबर 2021 के बीच में हुए सर्वे में इस वजह से अपनी श्रेणी में दुनिया में नंबर 1 रहा जयपुर एयरपोर्ट अब 94वें नंबर पर आ गया है। 3 महीने के भीतर इसकी रैंकिंग 43 अंक गिरी है और अप्रैल जून में रैंक 51 थी। जिस समय सर्वे हुआ उनमें से 1 माह ऑब्जर्वेशन और 15 दिन कंप्लीट ऑपरेशन अडानी समूह के हाथ में था। जयपुर में ज्वेलर से हुई 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की लूट का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। विद्याधर नगर इलाके में 28 अक्टूबर को सुबह 5 बजे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें 1 बदमाश के कब्जे से देशी कट्टे भी बरामद किए गए हैं, तो मास्टर माइंड ज्वेलर का खास दोस्त सुनील सोनी निकला है। उसने महेंद्र कुमार अग्रवाल से 50 लाख रुपए उधार ले रखे थे और सोनी ने फर्जी आधार कार्ड आईडी से मोबाइल फ़ोन की सिम खरीदी थी और इसी नंबरों से गैंग में शामिल 6 बदमाशों से संपर्क किया और वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार को बस ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बांडियावास गांव में संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और शव जोधपुर के 2 अस्पतालों में लाए गए थे। लाशें इतनी बुरी तरीके से जली हुई है कि पहचानना मुश्किल है और कौन से अंके अवशेष किसके हैं यह भी नहीं पता चल रहा। इन्हें कपड़े के गठरियों बांध करके रखा गया है और शव के अवशेषों का अंतिम संस्कार का इंतजार अभी करना होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर व्यापार और पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए विद्युतीकरण रेल का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेवाड़ी से मालनपुर तक विद्युतीकरण के कार्य को विभिन्न चरणों में पूरा कर ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। रेवाड़ी से पालनपुर रेलखंड के विद्युतीकरण व दोहरीकरण होने से रेल संचालन सुगम व तीव्र गति से होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार वर्ष 2023 तक सभी मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। लगातार 5 मैच जीत करके सेमीफाइनल में पहुंची बाबर की सेना सिर्फ 1 मैच हारी और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टॉस हारकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का अच्छा स्कोर बनाया। मोहम्मद रिजवान 67 और फकर जमा 55 रन ने आरदार शानदार अर्धशतक जमाया, लेकिन वह काम नहीं आ सका। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एक अनहोनी होते होते बची। पाकिस्तानी बल्लेबाज फकर जमा ने एक फुल टॉस बॉल पर करारा शॉट मारा। बैट से लगती गेंद गोली की रफ्तार से एकदम स्ट्रेट गई। शॉट इतना तेज था कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल स्टार्क ने गेंद रोकने के लिए हाथ भी नहीं लगाया। गेंद जैसे अंपायर की ओर आई वो खतरे को भाप गए, लेकिन खुद को बचाने में वे मैदान पर गिर पड़े और उन्हें वापस उठने में थोड़ा सा वक्त भी लिया। जब तक वो उठे गेंद बाउंड्री लाइन पार कर चुकी थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद की गति आखिर क्या रही होगी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।